पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध घाटी बीटबिलिंग में पैराग्लाइडिंग के साथ पर्यटक नया साहसिक खेल बंजी जंपिंग का आनंद ले सकेंगे। एशिया की पहली सस्पेंशन ब्रिज आधारित बंजी जंपिंग वेट के समीप बने एक गुणों में शुरू होगी। बीटबिलिंग में सस्पेंशन ब्रिज आधारित बंजी जंपिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स को तकनीकी टीम ने हरी झंडी दिखा दी है तथा आने वाले दिनों में बीटबिलिंग में न केवल पैराग्लाइडिंग तथा साइकिलिंग होगी बल्कि बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का केंद्र बिंदु भी बनेगा। आपको बता दें कि विश्व में अनेक स्थानों पर सस्पेंशन ब्रिज बंजी जंपिंग करवाई जाती है परंतु एशिया के किसी भी देश में अभी तक ये सुविधा नहीं है। ऐसे में टाइगर टीम एडवेंचर ने सलवार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर के विशेषज्ञों के सहयोग से सस्पेंशन ब्रिज तैयार करवाया है जिसके ऊपर से उनकी जंपिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसे में सौर में लगभग 150 मीटर गहराई पर बंजी जंपिंग की जा सकेगी। आज अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतरोहण संस्थान मनाली के निदेशक अविनाश नेगी की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की टीम में सस्पेंशन ब्रिज पर आधारित बंजी जंपिंग स्थल का निरीक्षण किया गया। टीम में जिला पर्यटन विकास उपनिदेशक विनय धीमान, डीएसपी बैजनाथ पूर्णचंद ठुकराल सहित 6 अन्य अधिकारियों ने आकर बंजी जंपिंग के लिए बनाए गए झूला पुल का निरीक्षण किया। उज्जवल हिमाचल के लिए बैजनाथ से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए ये बंजी जो है अपने आप में एक अलग किस्म की बंजी है। हिंदुस्तान में और भी 10-12 जगह बंजी जंपिंग होती है लेकिन एशिया में ये अलग तरह की बंजी इसलिए है क्योंकि ये एक सस्पेंडेड ब्रिज जिसे कहते हैं झूला पुल, झूला पुल पे ये अकेली बंजी है पूरे एशिया में। तो इसको स्थापित करने में मुझे लगभग 4 वर्ष का समय लग गया। 4 वर्ष के बाद अभी सरकार की मंजूरी के लिए हमने अप्लाई किया था। कल ही डायरेक्टर अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट मनाली जो कि उनकी अध्यक्षता में कमेटी, सरकारी कमेटी जिसमें SDM साहब, DSP साहब, DFO साहब और भी अलग अलग जो महकमे हैं सबके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आए थे। उन्होंने सारी सेफ्टी वगैरह की इंस्पेक्शन की और इसे ठीक पाया। तो अब लगभग 4 सालों के प्रयास के बाद हम जनता के लिए इसे शुरू कर रहे हैं। आपके जहन में ये ऐसा कैसे ख्याल आया कि ये यहाँ ये डेवलप करनी चाहिए? और मैं लगभग पिछले 30 सालों से एडवेंचर टूरिज्म से जुड़ा हूँ और तरह तरह के साहसिक खेलों में मैंने पार्टिसिपेट किया है, खुद किया है। इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि पैराग्लाइडिंग जो है, जो कि बीटबिलिंग है, पूरी दुनिया में मशहूर है पैराग्लाइडिंग के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों से कभी मौसम, कभी VIP मूवमेंट, कभी कुछ चीज़ें, पैराग्लाइडिंग बंद हो जाती है और जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उनके लिए करने को कुछ नहीं होता सिवाय पैराग्लाइडिंग के। तो हमने एक ऐसी चीज़ दी है कि अगर पैराग्लाइडिंग नहीं हो रही है या उसके अलावा भी कोई कुछ करना चाहता है, एक आधा दिन स्टे भी बढ़ता है, होटलों के लिए भी अच्छा है, तो हमने ये इसलिए यहाँ स्थापित किया। ये लोगों के लिए कितना सुरक्षित रहेगी ये जो एडवेंचर गेम है, ये कैसे सुरक्षित? देखिए ये 200% सुरक्षित है। इसमें जो वर्ल्ड क्लास के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो लिए गए हैं। यहाँ पे जब स्थापना की है तो हमने पूरे दुनिया के 3 बड़े एक्सपर्ट, एक उनमें से इंग्लैंड से, एक कनाडा से और एक इसराइल से, 3 जो बड़े कंसल्टेंट हैं उनको हमने लाया था, उनकी मदद ली थी। उसके अलावा NIT हमीरपुर से इसकी वेटिंग कराई है। तो ये पूरी तरह सुरक्षित खेल है। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा।